जी तो यहाँ पे और मजीद हमारे पास एनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि उन जिस टाइम धमाका हुआ उस वक्त वो कहाँ पे थे और उन्होंने क्या मनाज़िर देखे हैं। जी जब धमाका हुआ तो आप यहीं पे मौजूद? धमाका जब हुआ तो हम अपनी शॉप पे बैठे हुए थे, बहुत जोरदार धमाका था, तो उसी वक्त बहुत ज्यादा भाग रहे थे आगे की तरफ, तो इस वजह से मैं जब आया तो उस वक्त जो उनसे ना पूरी आग लगी हुई थी, बहुत लोग जख्मी थे, हमारे दुकानदार भाई हैं जो उनसे उनकी दुकान पूरी जल गई थी। आपकी भी यहाँ पे शॉप है? दुकान जी हमारी ये यानी कि दुकान जो उनसे टर्न होती साथ ही दुकान है हमारी, तो उसी वक्त जब हम आए तो सामने पटूटे वाले था, वो उसी वक्त ही डेथ हो गई थी। तो इसके अलावा जो उनसे हमारे मोटरसाइकिल जहाँ खड़ी हुई थी ना वहीं किसी ने बैग रख के गया एक्सप्लोसिव का, वहीं धमाका हुआ, इतना शदीद धमाका था कि मोटरसाइकिल आपने देखा कि जो बैग रख के गया है उस... नहीं 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 अभी जो बता रहे हैं ना मीडिया बता रही हूँ, उन्होंने जो सर्च किया है ना वो यही बता रहे हैं कि कोई बैग रख के गया, इसलिए हमें कुछ पता नहीं लगा ना धमाके के बाद। मतलब जो बम था वो किसी बैग के अंदर था? बैग के अंदर ये बता रहे हैं जो रिसर्च टीम जो उनकी है ना आपकी, वो रिसर्च टीम ने बताया कि कोई बैग रखे गया है। मोटरसाइकिलें वगैरह तो एनी टाइम वहीं खड़ी होती थी ना दुकानदारों की मोटरसाइकिलें, मोटरसाइकिलों पे होते तो पता लग जाता है मोटरसाइकिल है, अननोन मोटरसाइकिल है। ठीक 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 जी, तो आपने यहाँ पे एनी शाहिदीन की गुफ्तगू भी सुनी है कि जो बॉम्ब था यहाँ पे किसी बैग के अंदर लेके कोई राहगीर आया है, उसने यहाँ पे ला के बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है, जानी और माली दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसानात हुए हैं, पुलिस की भारी तादाद यहाँ पे मौजूद है।